नमस्कार। लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं मीरा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, जहां जहां प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ और अनुभवी वकील फली सैम नरिमन का बुधवार को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह हृदय संबंधित समस्याएं सहित कई बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 जनवरी 1929 को जन्मे नरिमन को नवम्बर 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और 1961 में उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया। 70 साल से अधिक लंबी कानूनी करियर के साथ उन्होंने शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट में और 1972 से सुप्रीम कोर्ट में कानून का अभ्यास किया। मई 1972 में नरिमन को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त भी किया गया था। हालांकि 26 जून 1975 को आपातकालीन लागू होने के एक दिन बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने शानदार करियर के दौरान नरिमन ने कई ऐतिहासिक मामलों में दलील भी दी थी, जिनमें से भोपाल गैस त्रासदी मामला, टीएमए पाई मामला, जयललिता आय से अधिक संपत्ति का मामला और राष्ट्र न्यायिक नियुक्त आयोग का प्रसिद्ध मामला शामिल था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अक्सर भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप में जाने वाले नरिमन ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से एक थी बिफोर द मेमोरी फेड्स, द स्टेट ऑफ द नेशन, India's legal system, can it be saved? और God save the honorable Supreme Court. नरिमन को जनवरी 1991 में पद्म विभूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फली नरिमन के बेटे रोहिंटन नरिमन ने 2014 से लेकर 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न केवल कानूनी बिरादरी बल्कि देश ने बुद्धि और ज्ञान की एक महान हस्ती को खो दिया है। उन्होंने कहा कि देश ने धार्मिकता के प्रतीक को खो दिया है। एक्टिविस्ट वकील प्रशांत भूषण ने दुख जताते हुए कहा कि नरिमन की मौत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बहुत दुखद समाचार, पर प्रख्यात न्यायविद फली एस नरिमन का निधन, उन्हें वकील समुदाय का भीष्म पिता भी माना जाता था, एक महान वकील और हमारे परिवार के करीबी दोस्त। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उनका निधन हमारे देश के लिए सबसे भारी क्षति है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।